नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो मार्केट में दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्यों है। क्योंकि अभी जो बिटकॉइन का रेट है 20,000 से डाउन होकर के 10,000 से डाउन होकर के अभी 7050 के करीब टच हो चुका है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। और इसका जो मेन रीजन उसके बारे में डिस्कस करें आए, उससे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो टोटल मार्केट जाए कोई भी एक्सचेंज हो आपके पास, सभी एक्सचेंज में इसका जो मार्केट है वो क्रैश हो रहा है। जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी बहुत डाउन चल रही है, और जितने भी करेंसी है मार्केट में बिटकॉइन इथेरियम सब का रेट बिल्कुल डाउन चल रहा है। और जो बिट्रेक्स है उसका जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है, लोवेस्ट वॉल्यूम इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मार्केट है बिटकॉइन का जो रेट क्रैश हो रहा है उसके बाद जितनी भी छोटी करेंसी है एल्टकॉइंस हैं जितने भी, उनका जो मार्केट वैल्यू है प्राइस है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी डाउन होता जा रहा है। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो टोटली बेस्ड होती है न्यूज़ के ऊपर आधारित। कई न्यूज़ें बनाई जाती है, कई न्यूज़ें फेक होती है, तो उसमें जो मेन रीज़न है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो बिटकॉइन का जो रेट है जैसे डाउन आता है तो उसमें जो मार्केट वैल्यू है अल्टकॉइन की वो भी बहुत डाउन होती है, और 7300 का जो मार्क है वो दो दिन तक चला है। उसके बाद जो करेंसी का जो रिडक्शन है वो 25 बिलियन डाउन हो गया, यानी कि 350 मिलियन से 325 बिलियन पास्ट 24 आवर्स में। ये जो डाटा है ये दो दिन पहले का डाटा है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसका जो रेट है इसके पीछे फ्लक्चुएशन के पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, और ये जो रेट का फ्लक्चुएशन है ये एक से दो वीक तक चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में बिटकॉइन का जो रेट है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो जो क्रिप्टो मार्केट है उसका जो ड्रॉपिंग का मेन रीज़न है वो क्या है उसके बारे में आप ज़रा गौर फरमाइए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रीज़न है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि माउंट गोक सेल ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो भी बिटकॉइन के बड़े होल्डर्स हैं उन्होंने अपना बिटकॉइन सेल कर दिया, ठीक है। और बिटकॉइन कैश का यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस ये है कि लोग बिटकॉइन जैसे डाउन हो रहा है तो बिटकॉइन कैश है उसका कुछ पोर्शन भी लोग दिन प्रतिदिन सेल कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों की मार्केट क्रैश हो रही है, ठीक है। और बिटकॉइन कैश का जो पोर्शन है और जो वर्किंग है वो भी एज वेल एज बिटकॉइन की तरह है। और जो इसका जो सेकंड टॉप मोस्ट रीजन ड्रॉप का क्या है कि जो बिग वेल्स का मतलब क्या है कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में बिटकॉइन है उन्होंने बिटकॉइन को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद क्या है कि बिटकॉइन का रेट डाउन आ गया। रेट डाउन आने के बाद क्या है कि अल्टकॉइन का वैल्यू भी बिल्कुल डाउन हो गया, और उस सिस्टम में वो अल्टकॉइन बाय करते हैं और उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। थर्ड है बिटफाइनेक्स। बिटफाइनेक्स का क्या है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी इन्होंने लगाई है बिटफाइनेक्स की जो एक्सचेंज है उसके ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी का भी काफ़ी बड़ा रोल है, तो उसका भी है। उसके बाद बिट थंब आता है जो कि कोरियन एक्सचेंज है बिट थंब, और अब बिट उनके ऊपर भी स्कैंडल में 10-11 कंट्री ने आरोप लगाया और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले रही है। बिट थंब भी मेन रीज़न है बिटकॉइन प्राइस का डाउन होने के पीछे। जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो सभी कॉन्सेंसस जो मीटिंग हुई थी अभी पिछले महीने उसके ऊपर, जैसे कॉन्सेंसस की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद भी बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन जारी है, क्योंकि उसमें बड़ी वेल्स को अंदर आना है बिटकॉइन से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। और इंडिया में भी जो बिटकॉइन का मार्केट है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन जारी की नहीं है, जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी तो बिटकॉइन का जो रेट है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और दिसंबर 2017 के बाद इतनी गिरावट देखने को मिली है, और आने वाले एक से दो वीक में आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप ट्रेडर्स हैं तो, एक से दो वीक में इसका जो प्राइस है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जून के लास्ट तक एक्सपेक्टेशन है 9 to 10,000 के आसपास इसका प्राइस रहने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताज़ा जानकारी के लिए, आपको करंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कृपया करके इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।